बच्चे जेम्स मैं खा लेती हूँ, ठीक है? कौन सा वाला पीला? लो खाओ, तुम भी खाओ। सब खाओ, सब खाओ। लो आप लोग भी खा लो। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are safe and doing great. So, आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप चैलेंज। आप लोगों को मेरे मेकअप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं guys. And आज का जो मेकअप चैलेंज है वो सबसे ज़्यादा फनीएस्ट एंड कलरफुल मेकअप चैलेंज होने वाला है, क्योंकि guys, आज का मेकअप चैलेंज है जेम्स चूजेस माई मेकअप। एंड ये मैंने ना शॉर्ट्स वीडियो में देखा था एंड मैंने रील्स में भी देखा है, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस चैलेंज को लूँ। ये चैलेंज है क्या, मैं आपको पहले ये बता दूँ। सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें ना कलरफुल यू नो जेम्स निकलते हैं, तो जैसा कि मैं पहले अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन, तो जैसे ही मैं फर्स्ट जेम्स निकालूंगी एंड जो भी कलर का मेरे पास जेम्स आएगा उसी कलर का मुझे फाउंडेशन अप्लाई करना है, देन कंसीलर, देन यू नो आईब्रोज एंड ब्लश, लिपस्टिक, सब कुछ मैं आज इसी के कलर का करने वाली हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा गाइस इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैलेंज, एंड आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड लकली मेरे पास है ये कलर पॉट, सो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बीन अलॉट टू मी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं से पाउच से तो निकाल नहीं पाऊंगी ऐसे करके, तो इसलिए मैं निकाल कर सारे जेम्स को इसमें रख लूंगी। इतनी प्यारी लगती ना कलरफुल इसके जेम्स। तो ये है मेरे पास सारे जेम्स, मैंने इसमें निकाल कर रख लिए हैं। यू कैन सी कितने ज़्यादा कलरफुल हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है। सो ये है मेरे पास सारे जेम्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप चैलेंज। फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए देखते हैं कौन सा वाला कलर मुझ में आने वाला है। येलो, इट्स येलो गाइस, येलो फाउंडेशन। ओ माय गॉड, सो येलो कलर का है मेरे पास, लेकिन पहले मैं इसे खा लेती हूँ। सो येलो कलर का मेरे पास ये है, ये मैं एज अ फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी शादी हो रही है, मुझे हल्दी लग रही है। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी विद द फाउंडेशन ब्रश, अगर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसे ब्लेंड करने में ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मुझे, बिकॉज ये उतना ज्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। सच में मेरी हल्दी हो रही हो। ओके गाइस, नेक्स्ट इज कंसीलर, एंड कंसीलर के लिए देखते हैं कि कौन सा कलर आता है। पर्पल कलर का कंसीलर। ओ माय गॉड, पर्पल कलर है क्या मेरे पास? सो गाइस, मेरे पास है पर्पल कलर का करेक्टर, सो इसे मैं एज अ कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। पहले इसे खा लेती हूँ ताकि फिर से ना आए ना यार, चांस नहीं दे सकते। सो इससे मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी पर्पल कलर का। सो गाइस, जहां जहां कंसीलर लगाते हैं वहां मैंने पर्पल कलर को अच्छे से थोप लिया है, एंड अब मैं इसे करूंगी ब्लेंड। कि हम इस वाली ब्रश से ब्लेंड। हर
बार के मेकअप चैलेंज का तो कुछ पता होता है कि हाँ ठीक है इस पॉइंट में जाके रुकेगा। ये तो मुझे लिटरली कुछ नहीं मालूम है कि मैं कैसी लगने वाली हूँ एंड रिजल्ट में। ओके गाइस, नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप एंड फॉर आईब्रोज देखते हैं कौन सा कलर आता है हमारे पास। अगेन पर्पल, दिस इज द आईब्रो का कलर। मैं इसमें से ये वाला पर्पल शेड लेके एंड देन उसे अपने आईब्रोज में लगाने वाली हूँ। गाइस कैसी लग रही है मेरी पर्पल कलर की आईब्रोज? सो आईब्रोज इज डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दी आई शेडो। सो आई शेडो के लिए देखते हैं कौन सा कलर आने वाला है। हम आई शेडो में कोई दो कलर चूज करेंगे तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा आता है। ऑरेंज, इट्स ऑरेंज। सो कलर भी मिल गया है ये वाले मार्स की पैलेट में। ऑरेंज कलर इज डन एंड नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कलर आता है हमारे पास। ब्लू, इस ब्लू कलर में ये है मेरे पास एंड इसे मैं अप्लाई करूंगी। सो ये मैंने ब्लू कलर भी अप्लाई कर लिया है। मेरा आई मेकअप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं दोनों साइड सेम आई शेडो अप्लाई कर लूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं आईलाइनर के लिए कौन सा वाला कलर आने वाला है। सो पिंक कलर का हमें आईलाइनर अप्लाई करना है गाइस। सो पिंक, सो इससे मैं आईलाइनर अप्लाई करूँ। वो जो मैंने लिया वो थोड़ा सा फिक्का पिंक था, ये थोड़ा सा डार्क है बट फिर भी हम इससे काम चला लेंगे। ओके गाइस, सो मैं लगा रही हूँ पिंक आईलाइनर। नेक्स्ट इज ब्लश एंड ब्लश के लिए देखते हैं कि कौन सा वाला कलर आता है हमारे पास। इट्स अगेन ऑरेंज ना, यस। सो इट्स ऑरेंज। सो मैं ऑरेंज कलर का ब्लश लगाने वाली हूँ। सो वही आई शेडो मैं लूंगी एंड उसे एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। ओह माय गॉड, ये तो इसमें चिपक गया गाइस, ये तो इसमें चिपक गया। कंसीलर का ऐसा इसमें क्या बोलते हैं वो, कैसा वाला मेकअप नहीं होता है हॉरर वाला, है ना। नाउ फॉर द कॉन्टोर, देखते हैं कि कौन सा वाला कलर आता है। इट्स अगेन ऑरेंज। ऑरेंज की कितनी सारी गोलियां हैं इसमें। तो ऑरेंज कंटूर के लिए अगेन हम लेंगे यही एंड ऐसा कंटूर भी अप्लाई कर लेंगे। कंटूर इज आल्सो डन। फॉर हाइलाइटर देखते हैं कौन सा वाला कलर आने वाला है। पर्पल कलर का हाइलाइटर, इसमें से ये पर्पल शेड लूंगी एंड इसे ये वाले को, क्योंकि ये शिमर वाला पर्पल है सो इसे मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। इसमें यार दिख ही नहीं रहा बट ये तो आ रहा समझ में।
उसमें से देखना एक और मतलब पर्पल कलर के जितने आई शेडो पैलेट रखेंगे उसमें से किसी में शिमर शेड होगा। इस वाले में मुझे शिमर शेड मिल गया है सो इसमें से मैं शिमर शेड अप्लाई करूंगी। वाओ नाउ इट्स वर्किंग एज अ हाइलाइटर है ना, हल्का हल्का चमक दे रहा है, चमक। कैन यू सी, ओके गाइस डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लिपस्टिक। सो यस शिट दो हार्ड में प्लीज 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 कोई अच्छा कलर आ जाओ। पिंक गाइस इज पिंक पिंक पिंक, ये थोड़ा लाइट पिंक है सो लेट्स सी। मैं यही वाली लिपस्टिक लगाऊंगी पिंक कलर की। सिर्फ लिपस्टिक में बस ही लिपस्टिक का कलर आया है और कहीं नहीं आया है। ओके गाइस सो दिस इज द ओके गाइस सो दिस इज द फाइनल लुक। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, हंसी आई या नहीं आई? आई नो कि मेकअप लुक जैसे तो नहीं लग रहा है बट हाँ इसको हम यू नो क्या बोलते हैं एज अ हॉरर मेकअप लुक ले सकते हैं। सो यस लिपस्टिक में बस लिपस्टिक का कलर आया है और कहीं पर भी यू नो आई शेडो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आई शेडो में ऑरेंज एंड ब्लू का मिक्सचर आज तक मैंने यूज़ नहीं किया है बट अगर मैं यू नो वैसे यूज़ करूँगी ना फाउंडेशन प्रॉपर फाउंडेशन वगैरह लगा के सो अगर ये दोनों शेड्स को यूज़ करूँगी फॉर माई आई शेडो अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। मेरी पर्पल आईब्रोज आपको कैसी लग रही हैं, मेरा हाइलाइटर आपको कैसा लग रहा है, मेरा ब्लश कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं दुल्हन जब जिसको हल्दी लगती है ना बहुत सारी सारी फिर उसके बाद का जो उसकी कंडीशन हो जाती है ना येलो येलो कलर की उस टाइप का मुझे लग रहा है एंड उसके ऊपर से मैंने मेकअप कर लिया हो इस टाइप का लग रहा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग बताना आप लोगों को मज़ा आया या नहीं, आप लोग ने इन्जॉय किया या नहीं। अगर किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन विच इज राइट नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।